भारतीय मजदूर संघ प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा की अगुवाई में अराज पत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने हांडा चौक से विकास खंड कार्यालय तक रैली निकाली। बीडीओ फतेहपुर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की। इसके साथ ही खंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी दिया। धरने के दौरान जनता को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के नेता ने कहा कि बीडीओ ने अपने कर्मचारियों से केरला फंड के नाम पर पैसे इकट्ठे किए हैं। जब उनकी रसीद एक कर्मचारी द्वारा मांगी गई तो उसे चार्जशीट करने की धमकी देने के साथ ही कार्यवाही भी कर डाली। इस धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन से जुड़े पंचायती राज कर्मचारी, शिक्षा विभाग कर्मचारी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी सहित अन्य उपस्थित रहे। ये जो धरना प्रदर्शन आज जो फतेहपुर में जो शुरू हुआ है, ये बीडीओ फतेहपुर जो है जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस फतेहपुर में नाच रहा है। इसने कर्मचारियों से लाखों रूपया केरला इसके लिए इकट्ठा किया है। और जब इसे हमारे कर्मचारियों ने जो पूछना चाहा कि हमारा जो पैसा आपने इकट्ठा किया वो कहाँ गया, तो इन्होंने हमारे कर्मचारियों की पीड़ना प्रताड़ना शुरू कर दी। कुछ कर्मचारियों को बिना नोटिस चार्जशीट के कईयों को सस्पेंड करने की धमकी ऐसे में मतलब इन्होंने शुरू किया। इसके लिए कल हमने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक मांग पत्र भेजा है, जिसमें